पूरा देख लिया था वीडियो, हम नहीं देख पाएंगे, 10% देखे हैं। क्या बोलने कि टेस्ट सीरीज सोल्यूशन हो रहा है, बंद करिए। हार ले लीजिए टेस्ट, इंडिया को हमारे हारना, इंडिया टेस्ट में हारेगा तो हारेगा, ऐसा फंद के कोई उपाय नहीं। ध्यान दीजिए तनी, क्या रहा दिन आपका, कुछ घट गया जी, आई आप यहीं पर आप जगह न सब अपने अपने मोबाइल चला बन दिया। चलिए सभी को गुड इवनिंग, चलिए सभी लोग लाइक शेयर एक बार कर दीजिएगा, और जो HW दिए थे ठीक है टेलीग्राम पे उसी को रिवीजन करेंगे, जो टेलीग्राम पर नहीं जुड़े टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल का नाम GKGS अचीवर्स है ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक मोबाइल यहाँ पर धर दो। चलिए शुरू करते हैं ठीक है, सभी अपना अपना ग्रुप में शेयर कर दीजिए एक बार ठीक है, आप सभी से निवेदन है कि एक एक बार अपना अपना ग्रुप में ठीक है, आप सभी के पास ग्रुप होगा ठीक है, अपना अपना ग्रुप में एक एक बार भेज दीजिएगा, कर दिए ठीक है, जुड़ गए चलिए ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, तो इसमें जो हिस्ट्री चल रहा था आपको पता होगा ठीक है, क्राउन बुक एवं लूसेंट से हिस्ट्री अभी चल रहा था, और इसमें आधुनिक इतिहास चल रहा था। चलिए थोड़ा पीछे वाला थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बताएगा, बताना है कि चौधरी रहमत अली ठीक है, चौधरी रहमत अली कौन सा विश्वविद्यालय के था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के कौन थे, चौधरी रहमत अली, जिन्होंने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग, चलिए ठीक है बिल्कुल सही है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग कौन किए थे, चौधरी रहमत अली ठीक, याद रखना है, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले मुस्लिम छात्र थे, जिनका नाम था चौधरी रहमत अली। चलिए ठीक है, पाकिस्तान शब्द वो कब दिए थे, 1933 में। चलिए ठीक है बिल्कुल 1933 में चौधरी रहमत अली 28 जनवरी 1933 में पाकिस्तान शब्द सबसे पहले देने का काम कौन किए थे, चौधरी रहमत अली ठीक है। नाउ आर नेवर,
नाउ आर नेवर, हाँ ये पुस्तक था नाउ आर नेवर। पूछेगा आपसे कि पाकिस्तान शब्द दिया गया था कौन सा पुस्तक में, नाउ आर नेवर, नाउ आर नेवर, नाउ आर नेवर, चले ठीक है। और ये नाउ आर नेवर पुस्तक किनका था, चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली का ये पुस्तक था, इसी में पाकिस्तान शब्द दिया गया था, ठीक है। चलिए पूछेगा आपसे कि बताइए कि पहली बार कब अलग से पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव पारित हुआ था, पहली बार कब अलग से पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव था, एक अधिवेशन, ठीक है, मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था जिसका नाम था लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ था, ठीक है, मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ था जिसको कहते हैं लाहौर अधिवेशन। तो याद रखना है 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जो है अलग से पाकिस्तान के प्रस्ताव को पारित किया गया था, ठीक है, अलग से पाकिस्तान निर्माण का प्रस्ताव पारित हुआ। अगर कभी काल पूछ लेगा कि बताइए अलग से पाकिस्तान निर्माण का प्रस्ताव पारित हुआ था वो मुस्लिम लीग का कौन सा अधिवेशन चल रहा था, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1940, ठीक है, 1940। अगर स्मॉल डेट पूछेगा तो 22 या 23 मार्च, स्मॉल डेट कितना है, 22 या 23 मार्च, ठीक है, बिल्कुल 22 या 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का कौन सा अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, हाँ लाहौर अधिवेशन में पहली बार जो है पाकिस्तान अलग से, ठीक है, अलग से पाकिस्तान करने की मांग की जो प्रस्ताव था उसको पारित किया गया था, ठीक है, अलग से पाकिस्तान का प्रस्ताव, जो अलग से पाकिस्तान का मांग जो किया गया था उसका प्रस्ताव पारित होना था, तो कांग्रेस हुआ था मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, कांग्रेस का नहीं, मुस्लिम लीग का, ठीक है, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, चलिए ठीक है, आगे बताना है। और देखिए पूछेगा आपसे कि मुस्लिम लीग का 1940 का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किए थे, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, चलिए ठीक है, बिल्कुल सही, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है अध्यक्षता किया गया था 1940 के मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। चलिए बिल्कुल आगे बताना है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरुआत हुआ था स्मॉल डेट के साथ, 17 अक्टूबर 1940, बिल्कुल सही, 17 अक्टूबर 1940 को ही व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी, जिसमें प्रथम सत्याग्रह किसको बनाया गया था, विनोबा भावे। पूछता है कि बताइए प्रथम सत्याग्रह कौन थे, द्वितीय सत्याग्रह कौन हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम सत्याग्रह विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रह पंडित जवाहरलाल नेहरू, तृतीय सत्याग्रह बरहम दत्त, ये तीनों याद रखना है। पूछिएगा आपसे कि बताए प्रथम सत्याग्रह कौन हुए थे, विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रह कौन हुए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चलिए ठीक है बिल्कुल। और यही व्यक्ति का सत्याग्रह में सब दिया गया था दिल्ली चलो का नारा दिया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह में, ठीक है, सॉरी नारा बोल दिए, नहीं नारा नहीं होगा, दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, इसमें नहीं दिया गया था, इसमें जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, हमको ये बोलना था, ठीक है, तो दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से किसको जाना जाता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, चलिए ठीक है बिल्कुल सही, व्यक्तिगत सत्याग्रह, चलिए ठीक है बिल्कुल सही है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, और इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह स्मॉल डेट इसको याद रखना है, पूछेगा स्मॉल डेट 17 अक्टूबर 1940 को, ठीक है, इसमें शुरुआत किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा, इसमें प्रथम सत्याग्रह किसको बनाया गया था, विनोबा भावे को, चलिए ठीक है बिल्कुल से विनोबा भावे, चलिए ठीक है आगे बताना है।
यहां से एक प्रश्न पूछते हैं, बताएगा कि चंपारण आंदोलन की समाप्ति के बाद, ठीक है, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी कार्यालय का कारभार सौंपकर वापस लौटे थे? चंपारण सत्याग्रह समाप्त हो जाने के बाद, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह समाप्त हो जाने के बाद गांधी जी ने किसे अपने अपने मोतिहारी के कार्यालय का कारभार सौंपकर वापस लौट गए थे? उनका क्या नाम था? श्याम नंदन सहाय। ठीक है, पता होगा कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में, ठीक है, कब हुआ था? 1917 में, बिल्कुल सही है। इसमें राजकुमार शुक्ला जी मिले थे महात्मा गांधी को, कहाँ? लखनऊ में। कहाँ मिले थे? पूछता है प्रश्न की सबसे पहले महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी को जो है राजकुमार शुक्ला जो किसान नेता थे, ठीक है, कहाँ मिले थे? लखनऊ में। कहाँ मिले थे? लखनऊ में, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो यहीं से एक प्रश्न था, पूछा गया था कि चंपारण आंदोलन के समाप्ति के बाद, ठीक है, चंपारण आंदोलन समाप्ति के बाद गांधी जी ने अपने मोतिहारी कार्यालय का कारभार किसे सौंपकर वापस लौट गए थे? तो श्याम नंदन सहाय। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी जिस गांव में ठहरे थे उस गांव का नाम था अमलवा गांव, ठीक है। कौन सा गांव? अमलवा गांव। कौन सा गांव में ठहरे थे? अमलगा गांव में ठहरे थे। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी कब से जूता पहनना छोड़ दिए थे? तो चंपारण सत्याग्रह के बाद, यानी 1917 के बाद महात्मा गांधी जी जूता पहनने छोड़ दिए थे, ठीक है। 1917 याद रखना है। पगड़ी बांधना कब से? 1918, ठीक है। पगड़ी बांधना छोड़ दिए थे 1918 में। 1921 में जो है खादी वस्त्र धारण किए थे, खादी वस्त्र धारण किए, ठीक है। और झारखंड पुलिस में पूछा गया था कि जूता पहनना कब से छोड़ दिए थे? 1917 से। और कौन सा गांव में? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ठीक है, अमलवा गांव, ठीक है। कौन सा गांव में ठहरे थे? अमलवा गांव। चलिए, ठीक है, बिल्कुल सही। और महात्मा गांधी को जान बचाए थे जिसका नाम था बख्त मियां, ठीक है, बख्त मियां। चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो जान बचाया था बख्त मियां, चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। और रात्रि विश्राम कहाँ किए थे? अमलवा गांव में। अगर पूछ लेगा कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी अपना जो है रात्रि विश्राम कहाँ किए थे? तो अमलवा गांव में। चलिए ठीक है। तो यहां से ही प्रश्न जो बन रहा था, ठीक है, मोतिहारी कार्यालय का कारभार सौंपे महात्मा गांधी श्याम नंदन सहाय, ठीक है, हाँ, श्याम नंदन सहाय को कारभार सौंपकर अपना कहाँ लौट गए? वापस लौट गए थे। अब सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किए थे 1906-07, दोनों ऑप्शन रहेगा 1906-07 में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। चलिए ठीक है। बताना कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो है तृतीय सत्याग्रह कौन हुए थे? तीसरा सत्याग्रह बरामदत्त। हाँ, चलिए आगे बताएगा कि क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942। स्मॉल डेट के साथ 11 मार्च 1942, ठीक है। क्रिप्स मिशन भारत आया था 11 मार्च 1942 को और वापस लिया कब? 11 अप्रैल 1942 याद रखना है, ठीक है, कि क्रिप्स मिशन भारत आया था 11 मार्च 1942, ठीक है, और वापस कब लौटा था? 11 अप्रैल 1942। चलो ठीक है, बिल्कुल सही है। पूछेगा आपसे क्रिप्स मिशन अपना प्रस्ताव को वापस कब ले लिया गया था? 11 अप्रैल 1942, ठीक है। और महात्मा गांधी क्रिप्स मिशन को क्या, क्रिप्स प्रस्ताव को क्या बोले थे? पोस्ट डेटेड चेक। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। पोस्ट डेटेड चेक किसके द्वारा बोला गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया था। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हो रहा था मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, ठीक है, उस बैठक हुआ था जिसमें कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का प्रस्ताव जब पारित हो गया था मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, तो वहां पर
उसका अध्यक्षता कौन किया था? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद, चलिए ठीक है, बिल्कुल से कौन किए थे? अबुल कलाम आजाद। पूछेगा आपसे कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जिसमें पारित हुआ था मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में, उसमें कांग्रेस की बैठक हुआ था, उसका अध्यक्षता कौन किया था? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो बनाया था, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, पूछेगा आपसे कि बताइए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बनाने का काम कौन किए थे? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद याद रखना है, भारत छोड़ो प्रस्ताव जो बनाए थे उनका नाम था अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कौन बनाए थे? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद, चलिए ठीक है, बिल्कुल से कौन बनाए थे? अबुल कलाम आजाद के द्वारा बनाया गया था। चलिए बताएगा आगे कि ब्रोकन विंग्स पुस्तक के लेखक कौन थे? ब्रोकन विंग्स पुस्तक के लेखक जो कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे, सरोजनी नायडू। ठीक है, कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता सरोजनी नायडू किए थे 1925 में। ठीक है, तो ही सरोजनी नायडू का एक पुस्तक था। ठीक है, क्या नाम था उसका? ब्रोकन विंग्स। चले ठीक है, और एक और इनका था ये पुस्तक, हाँ, सॉन्ग इन इंडिया। ठीक है, सॉन्ग इन इंडिया, सॉन्ग इन होगा, सॉन्ग ऑफ इंडिया है। ठीक है, सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये सब पुस्तक याद रखना है। ठीक है, सॉन्ग ऑफ इंडिया। पूछेगा आपसे कि सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सरोजनी नायडू। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखे थे? सरोजनी नायडू। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखे थे? सरोजनी नायडू। चलिए ठीक है, बिल्कुल। और बताएगा कि न्यू इंडिया पुस्तक किनका था? न्यू इंडिया महात्मा गांधी का था। महात्मा गांधी होम रूलिंग का प्रचार प्रसार कर रहे थे न्यू इंडिया से, सर एनी बेसेंट का था। एनी बेसेंट। चलिए ठीक है, बिल्कुल। एनी बेसेंट का दो पुस्तक था। ठीक है, कॉमन न्यू इंडिया और कॉमन बिल। ठीक है, न्यू इंडिया और कॉमन बिल जो है दोनों से होम रूल लिंग 1916 का होम रूल लिंग का प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे थे। ठीक है, कौन? एनी बेसेंट। चलिए ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जी, बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस का। चलिए बताएगा इनका कि दयानंद सरस्वती का एक पुस्तक था, वो कौन सा भाषा में लिखा गया था? दयानंद सरस्वती का एक पुस्तक था, कौन सा भाषा में? अन्य पिंडिया लाला लाजपत राय का है। ठीक है, लाला लाजपत राय का अन्य पिंडिया। ठीक है, मार मार के चूर दिए थे। ठीक है, किसको? लाला लाजपत राय को। ठीक है, लाला लाजपत राय को अन्य पिंडिया था लाला लाजपत राय का। तो अब बता रहे थे हम कि हिंदी में लिखा गया था सत्यात प्रकाश 1874। चलो ठीक है, बिल्कुल सही है। बताएगा आगे कॉमरेड और हमदर्द किनका पुस्तक था? मोहम्मद अली जिन्ना। और अल हिलाल किनका था? अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद का पुस्तक था जिसका नाम था अल हिलाल। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। क्या नाम था उसका? अल हिलाल। चलिए आगे बताएगा कि आजाद हिंद, ठीक है, आजाद हिंद फौज। क्या सुभाष चंद्र बोस? इसमें दो स्टेप पार करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस के पास जाएंगे। ठीक है, आजाद हिंद फौज। पूछेगा आपसे कि आजाद हिंद फौज का स्थापना करने का नियम किसने डाले थे? कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, इसमें फंसना नहीं है। पूछेगा कि आजाद हिंद फौज के गठन करने का नियम किसने डाले थे? कैप्टन मोहन सिंह। पूछेगा आपसे कि आजाद हिंद फौज का गठन करने का नियम कब डलाया था? तो 1941 में। हम बता रहे हैं ना, बताए थे, तो सितंबर 1941 में कैप्टन मोहन सिंह आजाद हिंद फौज के गठन करने का नियम डाले थे। लेकिन आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 किनके द्वारा? रास बिहारी बोस। ठीक है, नियम डाले थे आजाद हिंद फौज के गठन करने का, नींव कौन डाले थे? कैप्टन मोहन सिंह। कहाँ डाले थे? मलाया में। कहाँ डाले थे? मलाया। कहाँ पड़ता है? मलेशिया। ठीक है, मलेशिया का पुराना नाम मलाया था उसमें। मलेशिया मलाया मलाया मलेशिया का पुराना नाम क्या था? मलाया। तो मलाया में
कैप्टन मोहन सिंह सितंबर 1941 में जो है आजाद हिंद फौज का गठन करने का नींव डाले थे, लेकिन आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में किया गया था किसके द्वारा? रास बिहारी बोस। चले ठीक है, देखिए रास बिहारी बोस जो है ना वो लड़ रहे थे अंग्रेज के तरफ, ठीक है, रास बिहारी बोस अंग्रेज के तरफ लड़ रहे थे। तो देखें, इसने देखें कि भारत का बहुत सारे सैनिक जो है उसको इसी मरने के लिए छोड़ दिया, तभी इनके रास बिहारी बोस को लगा कि क्यों ना इसको इन्हीं दल को हम एक संगठन बनाकर जो है आजाद हिंद फौज का जो है गठन करें। तो 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था, 10,000 सैनिक, कितना सैनिक? 10,000 सैनिकों का एक संगठन था, उसी को आजाद हिंद फौज कहा गया है। 10,000 सैनिकों का एक संगठन था, ठीक है, सब कुल भारतीय था। अंग्रेज जो है लड़ने के लिए ले गया था, लेकिन इसमें सभी को इसमें जापान से लड़ रहा था, ठीक है, इसमें हाँ, तो इसी में आजाद हिंद सॉरी मतलब रास बिहारी बोस को लगा कि अगर हम इसको इस सभी सैनिकों को जो बर्बाद हो रहे सैनिक, इसको अगर हम भारत में ले जाकर एक संगठन बना देंगे तो हम इससे भी अपना भारत में आजादी पा सकते हैं। तभी रास बिहारी बोस 1942 में जो है एक 10,000 सैनिक का एक संगठन बनाया जिसे आजाद हिंद फौज के नाम से जाना गया था। लेकिन यहाँ से प्रश्न अलग अलग पूछता है, ठीक है, दो को अलग अलग पूछेगा कि आजाद हिंद फौज के नींव किसने डाले थे? कैप्टन मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज किनके दिमाग का उपज था? कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है। जिस प्रकार से क्वाड किनके दिमाग का उपज था? शिंजो आबे, जापान के थे शिंजो आबे, ठीक है, मर गए शिंजो आबे। जिस प्रकार से हाँ, कांग्रेस किसके दिमाग का उपज था? लॉर्ड डफरिन। चले ठीक है, तो उसी प्रकार से जो है आजाद हिंद फौज गठन करने के लिए जो दिमाग का उपज था वो किनका था? कैप्टन मोहन सिंह। नीम किसने डाले? कैप्टन मोहन सिंह। लेकिन आजाद हिंद फौज का गठन किया गया रास बिहारी बोस के द्वारा। रास बिहारी बोस कब? कब? 1942 में। लेकिन आजाद हिंद फौज का कमान अपने हाथ में सुभाष चंद्र बोस कब लिए थे? 1943 आजाद हिंद फौज का कमान अपने हाथों में लेने का काम सुभाष चंद्र बोस कब किए थे? 1943 कहाँ लिए थे? सिंगापुर में। पूछेगा आपसे कि सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का कमान अपने हाथ में सुभाष चंद्र बोस कब लिए थे? 1943 अगर स्मॉल डेट पूछेगा तो 21 अक्टूबर 1943 पूछेगा आपसे कि आजाद हिंद फौज का कमान अपने हाथ में सुभाष चंद्र बोस कब लिए थे? 1943, ठीक है। तो तीन स्टेप चला, 1941 में नींव डालाया आजाद हिंद फौज का, नींव 1941 में, आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में, गठन करने का काम रास बिहारी बोस किए थे, ठीक है, रास बिहारी बोस से सुभाष चंद्र बोस लिए। रास बिहारी बोस से कौन लिए थे? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, याद रखना है। और सुभाष चंद्र बोस जो है आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में जो है स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार का गठन करने का काम किए थे, ठीक है, स्वतंत्र भारत के अस्थाई सरकार का गठन कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। और यहीं पर नारा दिए थे दिल्ली चलो का नारा कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। और जुलाई 1944 में जो है महात्मा गांधी को रेडियो से बोले थे राष्ट्रपिता। पूछेगा आपसे यहां से प्रश्न कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किनके द्वारा बोला गया था? सुभाष चंद्र बोस। चलो ठीक है, बिल्कुल सही है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा दिल्ली चलो कौन बोले थे? सुभाष चंद्र बोस। चलो ठीक है, यहां से प्रश्न बहुत बनता है, ठीक है, पूछेगा आपसे कि राष्ट्रपिता का उपाधि किन्हें दिया गया है? महात्मा गांधी को। राष्ट्रपिता को उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही, सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल। चलिए ठीक है, 6 लाइव है, ठीक है, आप लोग 6 लाइव है, लेकिन लाइक वन है, पता नहीं लाइक करने में आप लोग को इतना कंजूसी क्यों करते हैं।
इतना भी कंजूसी ना किया करिए, ठीक है। लाइक करने में पैसा नहीं, वहां पर से 50 रुपया कट जाता है। अच्छा दो बार मत करना। चलिए तो पूछेगा आपसे, अगर यहाँ स्पर्श बन जाएगा कि बताए सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कब कहकर कब पुकारे थे? 1944 में जो है बंबई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा बंबई प्लान लाया गया था। हाँ, बंबई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा बंबई प्लान लाया गया था 1944 में। ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था 1944 में। ब्रेटन वुड सम्मेलन के दौरान विश्व बैंक और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना भी किया गया था 1944 में। IMF और वर्ल्ड बैंक, इसीलिए IMF और विश्व बैंक को जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। तो हम बता रहे थे कि 1944 में राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया गया था महात्मा गांधी को, और राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी को पुकारने का काम जो किए थे उसका नाम था सुभाष चंद्र बोस। चलो ठीक है, और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कौन बोले थे? सुभाष चंद्र बोस। चलो ठीक है, बिल्कुल सही है। आजाद हिंद सरकार, अच्छा आएगा देख ले। आजाद हिंद सरकार देखो ना, इसी को लगता बोला गया था सुभाष चंद्र बोस होंगे, ठीक है। 1943 में सुभाष चंद्र बोस है ना, 1943 में ही इसी को बोला गया था आजाद हिंद सरकार, ठीक है। अभी ने बताया वो स्वतंत्र भारत का वो अस्थाई सरकार, तो आजाद हिंद सरकार, ठीक है, उसी को बोला गया था आजाद हिंद सरकार 1943। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिएगा, शाही नौसेना विद्रोह। पूछेगा आपसे कि बताइए शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था? शाही नौसेना विद्रोह 1946, ठीक है। शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था 1946। चलिए बिल्कुल सही है। देखिए शाही नौसेना विद्रोह हुआ था 1946 में, 18 फरवरी 1946, जिसमें कि भारतीय नाविक जो था वो सैनिक था शाही नौसेना विद्रोह किया गया था भारतीय नौसैनिक के द्वारा शाही नौसेना विद्रोह कब किया गया था 1946 में। एच एम आई एस तलवार के भारतीय नौसैनिकों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है, अंग्रेज के द्वारा जो भेदभाव किया जा रहा था उसी भेदभाव के पूर्ण नीति को दबाने के लिए एच एम आई एस तलवार के नौसैनिकों के द्वारा जो किया गया था विद्रोह उसका नाम था शाही नौसेना विद्रोह। और शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946। शाही नौसेना विद्रोह कब किया गया था 1946। ठीक है, बिल्कुल सही है। शाही नौसेना विद्रोह याद रखना, 18 फरवरी 1946। और ये पॉइंट याद रखना है, भारतीय नौसैनिकों के द्वारा किया गया था लेकिन भारतीय नौसैनिक का जो संगठन था उसका नाम था HMIS। जिस प्रकार से मंगल पांडे जो है कौन सा नेटिव इन्फेंट्री से थे, 34वें नेटिव इन्फेंट्री
इन्फेंट्री, 34वें नेटिव इन्फेंट्री से थे। कौन? मंगल पांडे, जिसने लेफिलेंट बाज और लेफिलेंट ह्यूज का हत्या किए थे। लेफिलेंट बाज और लेफिलेंट ह्यूज का हत्या किया गया था किनके द्वारा? मंगल पांडे, मंगल पांडे, मंगल पांडे, ठीक है। और विद्रोह होने था 30 मई को, शुरुआत हुआ था कितना मई को? 10 मई, ठीक है। 10 मई को ना शुरुआत हुआ था, ठीक है। कहां से? मेरठ से, मेरठ से। 20 नेटिव इन्फेंट्री, 20वें नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, दरोगा का क्वेश्चन है, ठीक है, कोमा था। 20वें नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा शुरुआत किया गया था, 20वें नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। तो अगर पूछ दिया आपको कि बताइए शाही नौसेना विद्रोह किया गया था, तो आंसर क्या मानना? HMIS तलवार के, HMIS तलवार के भारतीय नौसैनिकों के द्वारा, कितना? 18 फरवरी 1946, 18 फरवरी 1940, ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये विद्रोह कहाँ हुआ था? बंबई में। अगर पूछा कि शाही नौसेना विद्रोह कहाँ हुआ था? बंबई में। शाही नौसेना विद्रोह कहाँ हुआ था? शाही नौसेना विद्रोह कहाँ हुआ था? शाही नौसेना विद्रोह कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? और अगर पूछेगा कि शाही नौसेना विद्रोह को, शाही नौसेना विद्रोह को जो है दबाने का काम कौन किए थे, शांत कौन किए थे? शाही नौसेना विद्रोह को शांत करने में कौन मदद किए थे? शाही नौसेना विद्रोह को शांत किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर पूछेगा कि शाही नौसेना विद्रोह को शांत कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक और थे मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, चलिए ठीक है, बिल्कुल। पूछेगा आपसे कि बताइए शाही नौसेना विद्रोह का, शाही नौसेना विद्रोह को हस्तक्षेप किसने किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, बिल्कुल सही। हस्तक्षेप करने का काम कौन किए थे? मोहम्मद अली जिन्ना। एक बार और बोलते हैं कि शाही नौसेना विद्रोह को हस्तक्षेप कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। HMIS तलवार के भारतीय नौसैनिकों के द्वारा अंग्रेज के, अंग्रेजों के भेदभाव पूर्ण नीति के विरुद्ध जो है एक विद्रोह किया गया था, उसका नाम था शाही नौसेना विद्रोह। 18 फरवरी 1946 को कहाँ हुआ था? मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई, ठीक है, कहाँ हुआ था? मुंबई। कहाँ हुआ था? मुंबई, चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, इसको याद रखना है, इस पर आते हैं। उसके बाद देखिएगा एक योजना आया था, ठीक है, 1945 में एक योजना आया था, उसका नाम था बैबल योजना, बैबल योजना। ये भी प्रश्न पूछता है कि आपको मिलाने के लिए दे देगा, बैबल योजना कब आया था, ठीक है, तो बताएगा बैबल योजना कब आया था? 1945, याद रखना है। और पता होगा कि बैबल योजना के बाइबल योजना के अनुसार ही शिमला समझौता हुआ था 1945 में, शिमला समझौता, ठीक है, कब हुआ था? 1945। लाओ सिंह लाल, लाल बैठो, चलिए। पूछेगा आपसे कि शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1945 में, 1945। और बैबल योजना भी कब आया था? 1945, ठीक है। शिमला समझौता 1945 और बैबल योजना कब आया था? 1945, ठीक है। 25 जून 1945 को शिमला समझौता, शिमला में एक समझौता हुआ था, जिसे किस नाम से जाना गया? शिमला समझौता। उसी समय आया था एक योजना जिसका नाम है बैबल योजना, बैबल योजना, बैबल योजना। अगर पूछेगा कि बैबल योजना के अनुसार शिमला समझौता कब हुआ था? 25 जून 1945, यानी याद रखना है कि इसमें दोनों याद रखना है कि बाइबल योजना भी हुआ था 1945 में, बाइबल योजना कब आया था? 1945 में। बाइबल योजना कब आया था? 1945 में। और शिमला में समझौता हुआ था, जिसे शिमला समझौता के नाम से जानते हो, कब हुआ था? 25 जून 1945, चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर पूछेगा कि शिमला समझौता में, शिमला समझौता में कांग्रेस का नेतृत्व कौन किए थे? शिमला समझौता में कांग्रेस का नेतृत्व करने का काम कौन किए थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, चलिए ठीक है। शिमला समझौता में कांग्रेस का नेतृत्व कौन किए थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि कितना भाग लिया था?
46 गो, ठीक है, कितना था 46। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि का, भारतीय प्रतिनिधि मंडल लंदन भाग लेने के लिए गए थे, कितना प्रतिनिधि, 89 प्रतिनिधि, ठीक है, 89, ठीक है, कितना प्रतिनिधि था 89, वायसराय ऑफ इंडिया जहाँ से लंदन गए थे, वायसराय ऑफ इंडिया जहाँ से कहाँ गए थे, लंदन, ठीक है, कहाँ गए थे, लंदन गए थे। और लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का शुरुआत उद्घाटन जो किया था वो जॉर्ज पंचम किया था, कौन किया था, जॉर्ज पंचम एवं जॉर्ज पंचम और रामजे मैकडोनाल्ड अध्यक्षता किया था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्षता रामजे मोगडा। अगर पूछेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, विंस्टन चर्चिल, रामजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, कौन थे, रामजे मैकडोनाल्ड। चलो ठीक है, तो हम बता रहे थे यहाँ पर, चले थे शिमला समझौता, 25 जून 1945 को शिमला में एक समझौता हुआ था जिसे कहते हैं शिमला समझौता। उस शिमला समझौता का अध्यक्षता जो है कांग्रेस के तरफ से किए थे, उसका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिसने भारत छोड़ो प्रस्ताव तैयार करने का काम कौन किए थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, भारत छोड़ो प्रस्ताव तैयार कौन किए थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। उसके बाद आया था एक मिशन जिसका नाम है कैबिनेट मिशन योजना। भारत कब आया था, 10 सितंबर, कितना मार्च है, 24 मार्च है, ठीक है, 24 याद रखना है, एक बुक में 23 मिल जाएगा, एक बुक में 24 मिल जाएगा, ठीक है, तो दोनों याद रखना है, 24 मार्च 1946 को एक योजना आया था जिसको कहते हैं कैबिनेट मिशन योजना। इसका अध्यक्षता किया था स्टोफर्ड क्रिप्स और पैंथिंग लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर, ठीक है, ये सब क्या थे, सदस्य थे, किसका, कैबिनेट मिशन। अमित आर्या जी, ठीक है, मोबाइल नंबर दे सकते हैं टेलीग्राम पर, मोबाइल नंबर कल भी मांगे थे हम, टेलीग्राम पर मोबाइल नंबर डाल दिए, ठीक है, अगर मोबाइल नंबर लेना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम पर जुड़ जाए, टेलीग्राम चैनल का नाम है GKGS Achievers, वहाँ से आप टेलीग्राम पर जाइए, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाला हुआ है, वहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाला हुआ है, नहीं है, कल डाले नंबर डाला हुआ है, ठीक है, कल हम डाले नंबर डाला हुआ है, डाल दो फिर से, ठीक है, देखिएगा डाला जाएगा 2 मिनट के अंदर। चलिए हम बता रहे थे कैबिनेट मिशन योजना, तो बताइए कैबिनेट मिशन योजना आया था, वो कब आया था, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना भारत आया था, 1946 में। इसमें तीन सदस्य थे, कितना सदस्य, कौन कौन, पैंथिंग लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे, सर स्टोफर्ड क्रिप्स थे। याद रखना है, पता होगा कि गांधी, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है कैबिनेट मिशन योजना का समर्थन किया गया था, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना को महात्मा गांधी क्या किए थे समर्थन किए थे। और वहीं क्रिप्स मिशन योजना को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहे थे, कौन कहे थे, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी। क्रिप्स मिशन आया था 1942, ठीक है। अगर पूछ दिया क्या कि बताइए कैबिनेट मिशन योजना को महात्मा गांधी के द्वारा समर्थन किया गया था, जी बिल्कुल, क्या समर्थन किया गया था, ठीक है, समर्थन किया गया था। और इसी के तहत जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है भारत में संविधान सभा का गठन करने की बात भी किया गया था, ठीक है, याद रखना है। पूछेगा आपसे कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 1946 में, ठीक है, 1946 जुलाई 1940। चलिए ठीक है, बिल्कुल, जुलाई 1946, और जुलाई के बाद 16 अगस्त 1946 को सीधे
कार्यवाही दिवस मनाया था। कार्यवाही दिवस, कार्यवाही दिवस किसके द्वारा मनाया गया था? मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। पूछेगा आपसे कि मुस्लिम लीग के द्वारा कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1940। और मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939। मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939 क्योंकि, हाँ क्योंकि आपको पता होगा कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ था। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ था जिसमें कि आपको 5 प्रांत से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था और 3 प्रांत से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। इसी के उपलक्ष्य में जो है कांग्रेस जो है उसी के उपलक्ष्य में मुस्लिम लीग एक मनाया था मुक्ति दिवस। कौन सा दिवस? मुक्ति दिवस। त्याग पत्र दे दिया तो नहीं समर्थन, मतलब पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो त्याग पत्र देगा, तो त्याग पत्र दिया। उसके बाद मुस्लिम लीग के द्वारा जो है एक मनाया गया था मुक्ति दिवस। और ये प्रश्न बार बार पूछेगा कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस से त्याग पत्र दिए थे और फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना, ठीक है, कांग्रेस से अध्यक्षता कर रहे थे और उसका त्याग पत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना करने का काम किए थे सुभाष चंद्र बोस। और 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया था कौन? मुस्लिम लीग। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही, मुस्लिम लीग। लेकिन पूछेगा कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? 16 अगस्त 1940।